पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, आज की अनुगूंज की कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं हम मंगत राम और तपस्या। आज की कड़ी में हम आपका परिचय करवाएंगे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता उस व्यक्ति से जिसे भारत गुरुदेव और कविवर के नाम से जानता है। आइए मिलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक सभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के जाने माने व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ अपने पिता की 13 संतानों में सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी माता शारदा देवी का देहांत इनके बचपन में ही हो गया था। इनका परिवार बंगाल के पुनर्जागरण में सक्रिय था और घर पर साहित्यकारों, विचारकों और संगीतकारों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसका प्रभाव रविंद्रनाथ टैगोर पर भी पड़ा। इनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक कवि, सत्येंद्रनाथ सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय और ज्योतिन्द्रनाथ नाटककार और संगीतकार थे। इनकी बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने घर पर रहकर ही कला, संगीत, गणित, विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी सीखी। उन्होंने 6 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 11 वर्ष की आयु में वो अपने पिता के साथ भारत भ्रमण पर निकले और अमृतसर भी गए। उन्होंने सिख धर्म पर कई कविताएं लिखीं और बाल पत्रिका में कई लेख भी लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भानु सिम्हा के छद्म नाम से मैथिली में भी कई कविताएं लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 वर्ष की आयु में अपनी पहली कहानी भिखारिणी लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर को 1878 में उनके पिता ने वकालत पढ़ने इंग्लैंड भेजा, पर वो बिना पढ़ाई पूरी किए वापस आ गए और अपने पिता की जमींदारी का काम देखने लगे। इसी समय उन्होंने बांग्ला लोक संगीत में भी रुचि लेना आरंभ किया तथा कहानियां लिखने लगे और पत्रिका निकालने लगे। सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन आ गए, जहां उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और लेखन में जुट गए। इसी प्रवास के समय उन्होंने काव्य रचना गीतांजलि लिखी, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार ने रविंद्रनाथ टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाई। 1912 में टैगोर ने इंग्लैंड और अमेरिका प्रवास किया और सीएफ एंड्रयूज, यीट्स तथा थॉमस मूर जैसे लेखकों को मित्र बनाया। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बर्लिन यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण का एक अंश। द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू व्हिच इंडिया एस्पायर्ड वाज बेस्ड अपॉन रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल यूनिटी। इट इज इंडियाज ड्यूटी टू बी लॉयल टू दिस ग्रेट ट्रुथ एंड नेवर अलाउ इट टू बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ पैशन स्वीपिंग ओवर द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। That is why we must be careful today to try to find out the principles by means of which India will be able for certain to realize herself. That principle is neither commercialism nor nationalism. It is not merely self-determination, but self-conquest and self-dedication. The voice of this group was heard in India's forests of old, above the din of race conflict. It was declared in the Upanishads and expounded in the Gita. Lord Buddha renounced the world that he might make this truth the household word for all mankind. Kabir, Nanak and other great spirits of India continued to proclaim its message. India's grand achievement, which is still stored deep within her heart, is waiting to unite within itself Hindu, Muslim, Buddhist and Christian, not by force, not by the apathy of resignation, but in the harmony of active
कोऑपरेशन। रबींद्रनाथ टैगोर ने कविताएं, गीत, कहानियां, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृतांत आदि विधाओं में लिखा। उनके लेख और यात्रा वृतांतों के अनेक संकलन प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं यूरोप यात्रीर पत्रों तथा मानुषेर धर्मों। रबींद्रनाथ टैगोर की कविताएं बंगाल के ग्रामीण अंचल, उसके जीवन, ईश्वर दर्शन आदि पर आधारित हैं। इनमें भक्ति तथा सूफी दोनों के तत्व पाए जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं मानसी, सोनार तोरी, बोलाका, गीति माल्या आदि। आइए सुनते हैं रबींद्रनाथ टैगोर के स्वर में एक कविता के अंश। आकाशवाणी लगी उठिया से जगी झटिकार कंठ कंठ शून्य शून्य प्रचंड आह्वान मरणेर गान उठेछे धनिया पाखे नवजीवने रविशारे घोर अंधकारे যত দুঃখ পৃথিবীর যত পাপ যত অমঙ্গল যত অশ্রুজ যত হিংসাহলহর সমস্ত উঠিতে তরঙ্গিয়া ফুল উল্লঙ্ঘিয়া ঊর্ধ্ব আকাশে দেবী তবু বেতরি সব ঠেলে হতে হবে পা কানে নিয়ে নিখিলে শিরে নিয়ে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন চিত্তে নিয়ে জমি বায়ু কণে আজিকে প্রবলে রুদ্ধত অন্যায় বঞ্চিতের মৃত্যুচিত্ত জাতি অভিমান মানবের দেবতার বহু অসম্মান। রবীন্দ্রনাথ টেগোর নে লগভগ 2000 সে অধিক গীত ভি লিখে আর উনহে সঙ্গীতবদ্ধ ভি কিয়া। উনকে গীত আজ ভি রবীন্দ্র সঙ্গীত কে নাম সে বিখ্যাত হ্যায়। आइए सुनते हैं उनका लिखा एक गीत। जदि तोर डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे जदि तोर डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে
তবে বজরা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জল রে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জল রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে गुरुदेव रबिंद्रनाथ टैगोर ने न केवल भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा अपितु बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा। आइए सुनते हैं रबिंद्रनाथ टैगोर के स्वर में जन गण मन का एक अंश। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युगल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। रबिंद्रनाथ टैगोर ने सैकड़ों कहानियां और लघु कहानियां लिखी। उनकी 84 कहानियां 3 खंडों वाले संग्रह गल्पू गुच्छा में छपी। उनकी प्रमुख कहानियां हैं काबुलीवाला, नष्टो नीर, अपरिचिता, मोनिहारा, क्षुदितोपाषाण, अतिथि, शेष कथा आदि। आइए सुनते हैं उनकी कहानी क्षुदितोपाषाण का एक अंश। अंतापुर में क्या हुआ? वो मैं किसी के सामने नहीं कह सकती। क्यों? क्या उसमें केवल लज्जा ही की बात है? आनंद की, उपभोग की, ऐश्वर्य की कुछ भी नहीं? संगीत, सुरभि, सुरा और साथ में लपलपाती हुई कटार, विषपूजी, आग उगलती आंखों की आज्ञा भी। इतना ऐश्वर्य और इतना अपमान, ऐसा कठोर बंधन। ये बंधन उससे भी कठोर है जिसमें मैं अब हूँ। मुझे छुड़ाओ, मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाओ। ले चलूंगा, अवश्य ले चलूंगा। मैं तुम्हें इस अस्पष्ट अंधकार और इस धूमिल स्वप्न माया के पार वायुवेग के घोड़े पर बिठा कर अपने हृदय से सिमटा कर निकाल ले जाऊंगा सुंदरी। तब फिर आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। आता हूँ, आता हूँ। ये आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। तुम्हें मैं ठंडी अंधेरी कफन में कैसे खोजूं? तुम कहाँ हो? कहाँ हो सुंदरी? कहाँ हो? तुमने भी मुझे निराश कर दिया। मेरा मन तुम्हारे पास आने के लिए तड़पता है सुंदरी। मैं तुम्हें छुड़ा ले जाना चाहता हूँ। अपने प्रेम में रख कर तुम्हें नया जीवन This is all India Radio। परंतु तुम हो कहाँ? तुम कहाँ हो मेरी सुंदरी? This is all India। माया, तुम कहाँ हो? तुमने भी मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम भी औरों की तरह आए और औरों की तरह चले जा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ समर्पण किए दे रहा। This is all India Radio। फिर भी तुम रोती हो? पुरुष का समर्पण मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे खूब जानती हूँ।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक उपन्यास भी लिखे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोरा, नौका डूबी, चतुरंग, घरे बायरे, जोगा जोग, शेशेर कोबिता, मलांचा, चार ओधाय आदि। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक नाटक भी लिखे जिनमें राजा, विसर्जन, डाकघर, चंडालिका, रक्ताकराबी, चित्रांगदा, मुक्तधारा, श्यामा आदि उनके प्रतिनिधि नाटक हैं। आइए सुनते हैं उनके नाटक विसर्जन का एक अंश। जय सिंह तबे बोलिया नो कोरी पूजा सैन्य नहे प्रभु आशीषे रानीर पूजा सैन्य कोथाय मार पूजा आसछे আমরা আছি খবর পেয়েছে সৈন্যরা শীঘ্র এদিকে আসছে না ঠাকুর রানীমা পূজো পাঠিয়েছেন জয় সিংহ শীঘ্র পূজার আয়োজন করো আকাশবাণী সংগ্রহালয়ে চলে যাও হেতা হতে নিয়ে যাও বলি রঘুপতি শোনো নাই আদেশ আমার শুনি না তবে তুমি এ রাজ্যের নহ নহি আমি আমি আছি যেথা সেথা এলে রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে মুকুট ঝুলায় পড়ে লুটে কে আছিস আন মার পূজা চুপ কর কোথা আছে সেনাপতি ডেকে আন হায় রঘুপতি অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল ধর্ম লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিক দল বাহুবল দুর্বলতা করায় শরণ অবিশ্বাসী সত্যি কি হয়েছে ধারণা কলিযুগে ব্রহ্ম তেজ গেছে তাই এত দুঃসাহস যায় নাই যে দীপ্ত অনল জ্বলিছে অন্তরে সে তোমার সিংহাসনে নিশ্চয় লাগিবে নতুভাই মনা নলে ছাই করে পুরাইব সব শাস্ত্র সব ব্রহ্মগর্ব সমস্ত ৩৩ কোটি মিথ্যা আজ নহে মহারাজ রাজ অধিরাজ এই দিন মনে করো আর একদিন रबिंद्रनाथ टैगोर एक कलाकार भी थे। उन्होंने लगभग 2500 कलाकृतियां और चित्र भी बनाए। उनके द्वारा शांति निकेतन में स्थापित शिक्षा निकेतन विश्व भारती आज भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान है। रबिंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुआ। श्रोताओं, आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी मंगतराम और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।